हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार वर्नर ने अपनी थ्योरी में प्राथमिक संयोजकता व द्वितीयक संयोजकता को समझाया था। अब उसी को आगे देखते हैं। वर्नर ने जो अपनी थ्योरी में प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता बताई थी, उन्हीं के लिए एक वैज्ञानिक थे सिजविक। कौन से थे? सिजविक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने भी कुछ बताया था। वो इस प्रकार है, वर्नर की प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकताओं को स्पष्ट करने के लिए सिजविक ने बताया कि प्राथमिक संयोजकता आयनिक बंध से जुड़ी होती है। यानी कि यहाँ पर जो वर्नर की प्राथमिक संयोजकता थी वो किससे जुड़ी होती है? वो आयनिक बंध से जुड़ी होती है, अतः वह आयनित हो सकती है। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है वह उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ी होती है, इसलिए वह आयनित नहीं हो सकती। आयनित क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वह उपसह संयोजक बंध से जुड़ी होती है। तो ये धारणा दी थी सिजविक ने वर्नर थ्योरी के बारे में। अब जो वर्नर ने जो थ्योरी दी थी, जो सिद्धांत दिया था, उसका प्रायोगिक सत्यापन जरूरी था। तो वर्नर ने अपने सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया, किस प्रकार किया उसे देखते हैं। वर्नर ने अपने प्रयोगों के आधार पर अपने सिद्धांत की पुष्टि की। तो अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए इसने कुछ प्रयोग करके बताए, और वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से थे। कोबाल्ट के COCl3XNH3 से बनने वाले सभी संकुल यौगिकों में 3 क्लोरीन परमाणु हैं। हम पिछले लेक्चर में इस एग्जांपल को देख चुके हैं, 3 क्लोरीन परमाणु हैं। लेकिन जब प्रत्येक संकुल यौगिक को AgNO3 के विलयन में डाला जाता है तो उनसे अलग अलग संख्या में AgCl के श्वेत अक्षेप का निर्माण होता है, जो कि निम्न प्रकार है। देखिए, जब हम इस संकुल को जिसमें क्या है, क्लोराइड आयन है, जब हम इस संकुल को AgNO3 के विलयन में डालते हैं तो जो Cl- आयन है वो इससे क्रिया करके AgCl का अवक्षेप बनाता है। यदि कोई संकुल Cl- आयन देता है तो वह Cl- आयन AgNO3 से क्रिया करके AgCl का अवक्षेप बनाता है, जो कि श्वेत अवक्षेप होता है। तो हमें श्वेत अवक्षेप तभी मिलेगा तब ये संकुल Cl- आयन में वियोजित होगा, या फिर हम कहें Cl- आयन देगा। तो इसे प्रयोग की एक सारणी बनाई हमने, वो देखिए सारणी किस प्रकार से है। ये यौगिक का सूत्र है। यहाँ पर x क्या है, x की वैल्यू 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, जो कि हमने यहाँ पर लिखी है, x बराबर 6, x बराबर 5, x बराबर 4, x बराबर 3। तो इस प्रकार से हम x की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि हमने पिछले एग्जाम्पलों में इनको सॉल्व भी किया था। अब देखिए इसको, यदि इस यौगिक का सामान्य सूत्रीय है, यदि हम इस यौगिक को AgNO3 के विलयन में डालें तो हमें कितने AgCl के अवक्षेप प्राप्त होंगे? तो जब इसको डाला गया तो देखा कि 3 अवक्षेप प्राप्त हुए। क्या देखा? कि 3 अवक्षेप प्राप्त हुए। जब इस वाले यौगिक को डाला गया तो देखा कि अवक्षेप 2 प्राप्त हुए। जब इस वाले संकुल को डाला गया, या फिर हम कहें इस वाले यौगिक को डाला गया, तो अवक्षेप हमें 1 प्राप्त हुआ। और जब इस वाले संकुल को डाला गया तो कोई AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ ही नहीं। अब देखते हैं हम कि इसके अवक्षेपित करो, इसको हमने AgNO3 के विलयन में डाला तो हमें AgCl के 3 अवक्षेप मिले, यानी कि इससे 3 क्लोराइड आयनों का आयनन हुआ, यानी कि इससे 3 क्लोराइड आयन वियोजित हुए। तो हम कह सकते हैं कि इसकी प्राथमिक संयोजकता में कितने आयन हैं? 3 क्लोराइड आयन हैं। अब हम आसानी से इसका सूत्र लिख देंगे, CONH3 6। तो इसका वर्नर सिद्धांत पर आधारित सूत्र ये हो जाएगा,
इसका ये सूत्र हो जाएगा, जिससे कि हमें प्राथमिक संयोजकता वाले तीन क्लोराइड आयन मिले, वो AgNO3 से क्रिया करके AgCl के तीन अवक्षेप बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कुल आयन कितने होंगे, तीन तो क्लोराइड आयन होंगे और एक संकुल आयन होगा, तो यानी कि इसमें कुल आयन चार हो जाएंगे। अगला देखते हैं COCl3 5NH3। यदि इसका इसको यदि हम AgNO3 के में डालें तो हमें AgCl के तीन अवक्षेप दो अवक्षेप प्राप्त हुए। अब दो अवक्षेप प्राप्त हुए इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी द्वितीयक संयोजकता है, इसकी जो प्राथमिक संयोजकता है उसमें कितने क्लोराइड आयन है, उसमें दो क्लोराइड आयन है। एक क्लोराइड आयन कहाँ चला गया इसका, अब एक क्लोराइड आयन द्वितीयक संयोजकता में चला गया। कहाँ पे चला गया, द्वितीयक संयोजकता में चला गया। अब इसमें यदि हम देखें इस संकुल में तो इसमें कितने आयन प्राप्त होंगे, कुल आयन कितने होंगे, दो क्लोराइड आयन होंगे और एक क्या होगा, संकुल आयन होगा, तो इसमें कुल आयन हो जाएंगे तीन। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या होता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी कि इसमें एक क्लोराइड आयन कहाँ पर है, एक क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी पर यानी कि प्राथमिक संयोजकता पर स्थित है। ये इस प्रकार से इसका वर्णन सूत्र हो जाएगा। और ये कितने आयन देगा, एक आयन क्लोराइड आयन होगा और दूसरा आयन संकुल आयन होगा, तो कुल ये दो आयन देगा। अब बात करें इसकी COCl3 3NH3 की, तो ये कितने AgCl अवक्षेप देगा, ये AgCl का कोई अवक्षेप नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसके पास इसके आयनन से हमें Cl- आयन नहीं मिला, क्योंकि ये आयन ही तो इससे क्रिया करके AgCl का अवक्षेप बना रहा है। जब हमारे पास ये है ही नहीं तो ये अवक्षेप भी प्राप्त नहीं होगा। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी से एक भी क्लोराइड आयन जुड़े हुए नहीं है, तो यहाँ पर एक भी आयन क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी से नहीं जुड़े हुए हैं, सभी के सभी किस में जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी वैलेंसी में जुड़े हुए हैं। तो इससे कुल आयन कितने प्राप्त होंगे, कुल आयन भी जीरो ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ये तो एक उदासीन संकुल है, उदासीन कंपाउंड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें ये जो प्रयोग किए थे उनके आधार पर हमें ये सब कुछ मिलता है जो हमने सारणी में लिखा है। अब इसको हम यदि डिटेल से लिखना चाहें तो हम इसको डिटेल से लिख सकते हैं कि इसने जो सत्यापन किया वो इस प्रकार से किया। तो इस प्रकार से पहले इसके जो प्रेक्षण थे, ये प्रेक्षण थे चार, इनके आधार पर वर्नर ने निष्कर्ष निकाले। कौन कौन से निष्कर्ष निकाले देखते हैं। पहला निष्कर्ष था कि COCl3 6NH3 से प्रति अणु, इसके एक अणु से तीन Cl आयन AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, तीन AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, अतः इस संकुल में तीन क्लोरीन परमाणु प्राथमिक संयोजकता द्वारा धातु आयन से जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं, तीन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके आयनन से चार आयन प्राप्त होते हैं, तीन आयन तो ये और एक आयन ही कुल आयन चार प्राप्त हुए। अब इसको यदि हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से हमें ये रिएक्शन मिलने वाली है। इस यौगिक को हम इस संकुल ग्रुप में लिख सकते हैं, इसे हमने AgNO3 सॉल्यूशन डाला तो हुआ क्या,
यहाँ से हमें एक आयन तो मिला संकुल, तीन मिले सी एल आयन जो एजीसीएल के रूप में अवक्षेपित हो गए, और तीन ये आयन हमें मिल गए। तो इस प्रकार से ये इसका पहला निष्कर्ष था। अब देखते हैं इसका दूसरा निष्कर्ष क्या था। देखिए कि दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा ये वाला है COCl3 5NH3। COCl3 5NH3 से प्रति अणु दो क्लोराइड आयन AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, दो क्लोराइड आयन AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। अतः इस संकुल में दो क्लोरीन परमाणु प्राथमिक संयोजकता द्वारा धातु आयन से जुड़े होने चाहिए, दो जुड़े हुए हैं जुड़े होने चाहिए, जबकि एक क्लोरीन परमाणु द्वितीयक संयोजकता द्वारा धातु आयन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इसके आयनन से कुल तीन आयन प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं, जो हमने पहले देख लिया, सब कुछ वही है जो हम पढ़ चुके हैं। वैसे ये उसी को बार बार अलग अलग तरीके से लिखना होता है। COCl3 5NH3 इससे कौन सा संकुल बनता है? इससे जो संकुल बनता है वो होता है CONH3 5 CL CL2। यही तो बना था। और इसको यदि AgNO3 के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या मिलने वाला है? तो हमें मिलेगा एक आयन तो ही मिलेगा, एक आयन ये मिल जाएगा, दो आयन क्लोराइड आयन मिलेंगे जो AgCl क्रिया करके दो AgCl का निर्माण करेंगे, और साथ में हमें दो ही ये आयन मिल जाएंगे। दो क्यों मिले? क्योंकि दो AgNO3 का अपघटन हुआ, क्या प्रतिस्थापन हुआ। अब देखते हैं, तो इस प्रकार से हमें ये मिलेगा, और इसमें कुल आयन कितने प्राप्त हुए? तीन प्राप्त हुए, एक और दो, ये तीन। तो इस प्रकार से ये हो गया दूसरे वाले के लिए। अब देखते हैं हम तीसरे वाले के लिए। तो इस तीसरे में क्या दिया हुआ है? COCl3 4NH3। COCl3 4NH3 से प्रति अणु एक क्लोरीन आयन AgCl के रूप में अवक्षेपित होता है, एक क्लोरीन आयन AgCl के रूप में अवक्षेपित होता है। अतः इस संकुल में एक क्लोरीन परमाणु प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ होता है, जबकि दो क्लोरीन परमाणु द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े होते हैं, और इसके आयनन से दो आयन प्राप्त होते हैं। यदि इसके लिए भी हम लिखना चाहें अभिक्रिया तो कुछ इस प्रकार से होगी। संकुल आयन लिखते हैं, संकुल लिखते हैं पहले इसके लिए। AgNO3 के सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें एक तो ये संकुल आयन प्राप्त होता है, एक क्लोराइड आयन प्राप्त होता है जो Ag के साथ क्रिया करके एक AgCl बनाता है, और एक NO3- आयन प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरे नंबर के लिए। अब देखते हैं हम चार नंबर वाले के लिए। इसमें देखते हैं कि इसमें COCl3 3NH3 है। COCl3 3NH3 से एक भी AgCl का अवक्षेपण नहीं होता, जीरो AgCl का अवक्षेपण होता है। अतः सभी Cl- आयन द्वितीयक संयोजकता से जुड़े होते हैं। यहाँ पर एक भी क्लोराइड आयन प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ नहीं है, और इससे एक भी AgCl का अवक्षेपण प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त आयन भी शून्य होते हैं। शून्य क्यों होते हैं? क्योंकि एक उदासीन लीग, यह एक उदासीन संकुल है जिस पर कोई चार्ज होगा ही नहीं। अब इसके लिए हम रिएक्शन लिखना चाहें तो आगे रिएक्शन हमारी होगी ही नहीं।
NH3 3 Cl3 AgNO3 सॉल्यूशन अवक्षेप नहीं प्राप्त होगा, श्वेत अवक्षेप हमें नहीं मिलने वाला है। अब क्यों नहीं मिला वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये वर्नर ने अपने प्रयोग को इस प्रकार से सैद्धांतिक रूप से और इस प्रकार प्रायोगिक रूप से अपने प्रमाणित कर दिया था और इसका सिद्धांत सही पाया गया। लेकिन इस सिद्धांत की कुछ कमियां थी कि यह सिर्फ कोबाल्ट पीडी आदि के कुछ ही संकुलों के लिए लागू होता था, या फिर हम कहें इनके प्रयोग सिर्फ कुछ ही संकुलों पर आधारित थे। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद में